हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो देखा था, ठीक है। और अपन जो बेसिक में पढ़ रहे हो किसके बारे में पढ़ रहे भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बराबर है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको ये कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन, उसको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, बराबर। मतलब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर एक सवाल आएगा माइंड में, अगर उसके साथ में मतलब कार्बन के साथ में दूसरा कोई अटैच रहा तो वो चलता है भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है ना। जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल अपन बेसिक चला रहे हैं, ठीक है। अभी तो ट्रेलर चल रहा है भैया, पिक्चर आना अभी बाकी है, गॉट इट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब भैया उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, जैसे आपके मान के चलो जैसे आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर एक की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा गाता है, बराबर ना। तो कोई कुछ अच्छा करता, कोई अच्छा मस्ती करता है, बराबर। तो उसी प्रकार अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे भैया, जनरल है ना सभी के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है, बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे 10 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के रखी है, आई थिंक आपको ये 10th क्लास में या फिर लोअर क्लास में आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी अपन उसको डिस्कस करेंगे वो भी अच्छे से, ठीक है। चलो सबसे पहले भैया टाइप्स ऑफ लिंकेज, ये होता क्या है, बराबर है। वन बाय वन बाद में मैं आपको अच्छे से लिख के भी देता हूँ कि उसके अंदर में क्या होता है। दूसरा है कंपोजिशंस, ठीक है ना, कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार का लिंकेज है, मतलब कार्बन या फिर अदर एलिमेंट के साथ में कार्बन किस प्रकार में अटैच है। दूसरा है कंपोजिशंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता कैसे है, ठीक है ना, जिसको कंपोज करना बोलते, बनाना बोलते। थर्ड वन है कैटिनेशन, उसके अंदर में उसका जो अटैचमेंट है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, मोनोमर्स होता है, पॉलीमर्स होता है, आइसोमर्स होता है, किस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में भैया आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है आपने, जो आइसोमर्स होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आइसोमेरिज्म बताती है, वो अपन जब वन बाय वन डिस्कस करेंगे तब देखते, ठीक है। उसके बाद में भैया पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन मतलब ये आपने 9th क्लास में जो आपका कार्बन कंपाउंड नाम का चैप्टर था वहाँ पे ये पढ़े हैं, बराबर ना। मोनोमर, आइसोमर, पॉलीमर, रिजिड स्ट्रक्चर, जो कार्बन है अपना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है उसको अपन पॉलीमराइजेशन ये देखते हैं, ये बोला है अपन ने। उसके बाद में सोल्युबिलिटी, ये तो अच्छे से पता है, जब किसी की तबीयत खराब होती है या फिर नींबू पानी अगर अपन बनाते हैं तो घोल करके पीते हैं ना, तो मतलब ये क्या होता है, कोई सब्सटेंस जो सोल्युबिलिटी के अंदर में अपन जो पढ़ते हैं उसमें अपन सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन का ये स्टडी करते हैं, बराबर। वो सोल्युबिलिटी मतलब कौन सा सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस के अंदर में कितने परसेंट में डिजोल्व हुआ है, इसकी स्टडी बोलते हैं अपन सोल्युबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पर्टिकुलर सब इन दैट सब्सटेंस कि वहाँ पे वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर ले लो तो 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा, बॉइल तो हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी कुछ होगा, ठीक है ना। उसके बाद में भैया ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है ना। अब उनकी स्मेल कैसी होती है, प्लीजेंट होती है, मतलब लेने लायक नहीं होती है, बदबूदार होती है, वो कैसे होती है, ठीक है। देन फंक्शनल ग्रुप, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, जो भी कंपाउंड बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो जाती है, बराबर है ना। वो कैसे होता है देखेंगे आगे। और लास्ट जो है अपनी कंबस्टिबिलिटी, अब कंबस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, वो सबसे जलता कैसे है, बराबर है ना, या फिर रिएक्ट होने के बाद में उसका फ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, किस प्रकार से लॉट्स ऑफ हीट देता है नहीं देता है, ये है उसके अंदर में, ठीक है। तो ये होगी अपनी डिटेल्स में, मतलब 10 मैंने जनरल प्रॉपर्टीज लिख के बताई। अब देखते हैं भैया इसके अंदर में डिटेल्स में आता क्या है। चलो फिर, चलो तो अपन अभी डिटेल्स में देखते हैं वन बाय वन होता क्या है। तो सबसे पहले भैया टाइप्स ऑफ लिंकेज अगर अपन ये देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है, जैसे अपन किसी कार्बन को, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे, ध्यान में रखना, किसी भी कार्बन को अगर दूसरे सब्सटेंस के साथ में, एलिमेंट के साथ में, किसी के भी साथ में अगर अटैच करना है, लिंक करना है, जोड़ना है, किससे भैया जोड़ते हैं, सिंपल है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड से। किससे जोड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पढ़ चुके हो अब लोअर क्लासेस में, ऐसा बॉन्ड कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मेड अप होता है, बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं,
कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज भी अपन वही पढ़ेंगे ना कि भैया क्या, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में जो कंटेंट्स होंगे वो किसके होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में। फिर बॉन्ड में आप क्या पढ़े हो, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ये पढ़े हो ना आप। तो सिंपल से जनरल प्रॉपर्टी में पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना कि मैं लिख के इसके लिए रखता हूँ ताकि अपना टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा अपन उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। अगर साथ साथ में चलेंगे लिख के तो उसमें टाइम बहुत बड़ा बनेगा, वीडियो भी बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। अभी जस्ट बेसिक है तो इसके मैं फटाफट ये इंक्लूड कर रहा हूँ, गॉट इट। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज बिल्कुल ईजी पॉइंट है, समझ में आया। किसी के साथ में भैया जोड़ना है ना, जैसे मोबाइल को किसी मोबाइल के साथ में जोड़ना, तो भैया रिचार्ज होना जरूरी है, मैसेज करना है बैलेंस होना जरूरी है, व्हाट्सएप मैसेज करना है नेट बैलेंस होना जरूरी है, पॉइंट समझ रहे हो। उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर लिंकेज देखना है तो बॉन्ड होना जरूरी है, और कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में ये बात। चलो दूसरा है भैया कंपोजिशन, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कंपोजिशन, अब वो बनता कैसे। इसके पहले मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैचमेंट होता है, लेकिन कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होते तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई आया तो भी कंपाउंड ही बनेगा ना, लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड होता है, पॉइंट ध्यान में रखना, गॉट इट। तो उसके साथ में कौन कौन होगा, जैसे देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा है कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच होगा, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच होगा, कार्बन के साथ में नाइट्रोजन अटैच होगा। जैसे मान के चलो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अटैच हुआ तो CO2 गैस बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अटैच हुआ तो बराबर है ना, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रो, फिर एक्स आया तो एक्स को क्या बोलते हैं भैया, हैलोजन। और हैलोजन ग्रुप आप पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में पढ़ चुके हो, 17th नंबर का जो ग्रुप था उसमें, क्योंकि आपको 11th में पीरियोडिक टेबल नाम का पूरा डिटेल्स में चैप्टर पढ़ना है। तो अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे बेसिक में पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी है। मैंने तो लास्ट टाइम आई थिंक आपको पता होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको शॉर्ट कीज भी प्रोवाइड करी थी, हर ब्लॉक की शॉर्ट कीज मैंने दे के रखी है, ठीक है। और वहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ते हो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अपन देख रहे भैया कंपोजिशन, ठीक है ना, किसका, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो पता चला कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, साथ में हैलोजन। अब हैलोजन क्या होता है, मैंने बताया आपको 17 ग्रुप। अब 17 ग्रुप में कौन कौन आते हैं हैलोजन में, याद है आपको, इसकी टेक्निक बताई थी, फिर कल बाहर आएगा एटम, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ध्यान में रखना है बात, ठीक है। ये हैलोजन है जो कि कार्बन के साथ में अटैच होगा कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। अब भैया मैक्सिमम अगर आप इसके रिएक्शन देखेंगे ना आगे, तो एक चीज ध्यान में रखना, आपको ये तीन ही मिलेंगे, कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर एक सवाल आएगा, सर ये फ्लोरीन और जो एस्टाटाइन है उनका क्या, तो जो एस्टाटाइन है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो लास्ट में था ना 80 हैलोजन ग्रुप में, तो एस्टाटाइन जो है वो हैलोजन, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो हैलोजन है, और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए नॉट यूजफुल है, बराबर। रेडियो एक्टिव मतलब क्या होगा, अगर उसके कांटेक्ट में अपनी ह्यूमन बॉडी अगर आती है तो आपको स्किन कैंसर होने की डिसीज की शाश्वती होती है, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो अलग ही हो जाता है बाद में। सर फिर ये फ्लोरीन क्यों नहीं आता, ये फ्लोरीन बड़ा ही डेंजर है, ये एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव समझ में आता है ना, जो एक्सप्लोज करता है, ज़्यादा ब्लास्ट करने की क्षमता रखता है, फिर कुछ ना कुछ करेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही करेगा, एक्सप्लोजिव जिसको बोलते हैं, करके इसकी रिएक्शन ज़्यादा होती नहीं। जैसे जैसे अपन आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है आपको, तो उसमें उसका यूज़ होता है, तब आपको समझ में हो जाएगा कि भैया ये होता क्या एक्चुअली चीज़, ठीक है ना। चलो जिसमें वो आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिशन प्रॉपर्टी समझ में ही। चलो थर्ड वन भैया कैटिनेशन। अब कैटिनेशन जैसे अपन रिलेशन बोलते हैं ना, अपना रिलेशन, अपना परिवार जैसे बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है। मान के चलो अपने परिवार में किसी के यहाँ शादी हो गई, तो रिलेशन बढ़ता है कि कम होता है, यस बढ़ता है, नए लोग जुड़ते हैं और अपनी फैमिली जो है बड़ी बनती चलती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है, कार्बन क्या करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कार्बन लिंक टू अनादर कार्बन एटम टू फॉर्म अ रिजिड स्ट्रक्चर,
वो बोला था ना मैंने, एक से पहले दो, दो से पहले चार, चार से पहले आठ, तो अपना स्ट्रक्चर क्या करता है कार्बन, बढ़ाते चलता है। वही प्रॉपर्टी अपन नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं कैटिनेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ अपन पढ़े थे कार्बन के ऑलोट्रॉप्स, जिसमें अपन ने पढ़ा था डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लेरेंस, ये पढ़ा था कि नहीं, टेट्रावालेंट, हेक्सागोनल, बकीबॉल स्ट्रक्चर, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वही है। मतलब कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ में लिंकिंग करके अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता है। वो प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं भैया, कैटिनेशन। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू कंबाइन, मतलब कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो कंबाइन विद अदर, सॉरी विद वन अनादर फॉर लॉन्ग चेन। अब जब वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन बनाएगा ना, एक के साथ दो, दो के साथ चार, मतलब चेन बढ़ती चलेगी, लॉन्ग चेन। अब चेन भी अपन तीन पैटर्न की चेन पढ़े, बराबर है ना, ये जैसे एक स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, रिंग चेन, साइक्लिक फॉर्म पढ़े ना, तो ये है भैया दूसरी ब्रांच चेन, एक तो ब्रांच बढ़ाएगा, ठीक है ना। स्ट्रेट होता है तो स्ट्रेट मतलब चेन बनेगी, इधर उधर अटैच होता है तो ब्रांच बनेगी, या फिर रिंग फॉर्म में, बराबर है, और उसी को बोलते भैया अपन कैटिनेशन। पॉइंट समझ में आया, मतलब कार्बन क्या करेगा, अपना साम्राज्य बढ़ाएगा, बढ़ते बढ़ते चलेगा और बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ईजी है बिल्कुल, ठीक है। वो अपन टेंथ तक के ये पढ़ते थे क्या, कैटिनेशन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, हाइड्रोकार्बन, वही पढ़े ना। अब यही हाइड्रोकार्बन आपको एलेवेंथ में कुछ अलग पैटर्न में, जैसे एलिफैटिक, एरोमेटिक, लेकिन इजी है, ठीक है ना, जब देखते तब देखेंगे। चलो फोर्थ वन क्या भैया अपना, आइसोमेरिज्म। कौन है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म पता होने के लिए आपको आइसोमर्स पता होना जरूरी है, है ना। अब आइसोमर्स में क्या होता है, अ कंपाउंड विच इज, क्या लिखते हैं इसके अपन, अ कंपाउंड विच इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ध्यान में आ रही बात, अ कंपाउंड विच इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बराबर। तो वो कंपाउंड को अपन बोलेंगे आइसोमर्स, ठीक है। और वो दिस प्रॉपर्टी, और वो जो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं इज कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी शो करेगा, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस प्रॉपर्टी मतलब किसकी प्रॉपर्टी, आइसोमर्स की प्रॉपर्टी, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। समझ में बात, तो ये बिल्कुल ईजी है। आइसोमर्स जो होता है वो कहता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। चलो फट से एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो मैंने ले लिया भैया C4H10, कौन है आपका ये, यस फोर कार्बन है, तो फट से याद हो जाना चाहिए आपका कौन है ये, ब्यूटेन, बराबर है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो C4 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, बराबर है। तो ये स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके इसके पहले, बराबर, एक कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर, बराबर है। तो देखो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखूँ तो C4H10 ही है, अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालता हूँ तो देखो सेम, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, एक ही फ़र्क है भैया, आप बोलेंगे सर ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या है, सेम है, C4H10। इसका भी अगर देखेंगे तो ये भी क्या होगा, C4H10 ही होगा, बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है ना, दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन चेक करते हैं तो सेम ही आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड आइसोमर्स, और वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। पॉइंट समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अपना, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है भैया अपनी, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है तो इसमें ही अर्थ छुपा है। अब पॉली का मतलब होता है मोर, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और मराइजेशन का मतलब क्या करना है, जोड़ना ना, मतलब बहुत सारे कार्बन एटम को एक साथ जोड़ना, तो वो क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा रिजिड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि अपन ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि मोनोमर क्या होता है, जिसमें एक या उसी के एक दो होगे, मतलब
स्मॉल लेवल पे होंगे, मतलब छोटे क्वांटिटी में अगर वहाँ पे आइटम प्रेजेंट है या फिर कंपाउंड है तो उसको अपन मोनोमर्स बोलते थे। जैसे अपना इथिन ले लो, है ना, जैसे अपन आगे चल के एग्जाम्पल में देखेंगे तो इथिन जो होता है इसमें लिमिटेड पार्टिकल्स है, उसको अपन काउंट भी कर सकते हैं, तो इथिन जो है वो आपका बन गया मोनोमर। ठीक है, अब वो अगर पॉलीमराइजेशन फॉर्म में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, तो वो बन जाएगा भैया आपका इथिन, ये आगे यूज होगा पॉलीथीन में जो कि आपका पॉलीमर हो जाएगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, मोर, ध्यान में रखने के बाद, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना, जैसे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ले लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अगर उन सभी को अपन ने कंबाइन कर दिया, बराबर ना, जैसे मैं रेत ले लो, रेत पता ना आपको सैंड, मुट्ठी भर ले ली तो लिमिटेड उसके अंदर में रेत के मतलब सैंड के मॉलिक्यूल्स होंगे, वही अगर एक बड़ा सा ट्रक भर के अपन ने ले लिए तो लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल होगी कि नहीं, सेम टू सेम फिनोमेना यहाँ पे है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐड, जब अपन ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या करेगा, वो फॉर्म होगा बनेगा ना भैया, वो है ना एक बड़ी पसंदीदा एडवर्टाइज आती है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बढ़ाते जाओ, बस यही कंसेप्ट ध्यान में रखना। देखो छोटे छोटे को मिलाओ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म करेगा हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, बहुत बड़े मास वाला एक कंपाउंड बनेगा और उसी को बोलते हैं अपन पॉलीमर, ध्यान में रखना क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमर। और यही प्रोसेस अगर पॉलीमर की प्रोसेस अगर कंटिन्यू चलती रही तो आगे चल के वो प्रोसेस को बोलते हैं भैया अपन पॉलीमराइजेशन। क्लियर हो गया, चलो फट से एक एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को नहीं है अपना, यस इथीन, समझ में आई बात, अब इसका मैं क्या कर रहा हूं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब जब भी मैं इसका पॉलीमराइजेशन करूं तो मुझे इसके अंदर में हर एक मॉलिक्यूल जो है वो किसका मिलेगा, CH2 का मिलेगा, मतलब CH2 सो ऑन जितने भी बढ़ाओ, लेकिन अब ये कौन बन गया मेरा, ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन पॉलीमराइजेशन में अपन क्या करते हैं, ये जो है ये ब्रैकेट में इस प्रकार से अपन दिखाते हैं, याद है, और बेसिक में लिखते हैं उसके n स्मॉल n, मतलब नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, n नंबर्स ऑफ, n मतलब क्या है अपने को पता नहीं है, बहुत सारे हैं, यही लिखते थे ना अपन थोड़ा सा 10th क्लास में, आप 9th नंबर का जो चैप्टर है उसको देखना, वहाँ पे एक बॉक्स दिया है, वहाँ पे पॉलीमराइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, तो ये जो स्ट्रक्चर बना इथिन से, अब इथिन कौन हो गया भैया आपका, एक तो ये हो गया अपना मोनोमर, है ना, अब ये कौन बन गया आपका पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पहले पॉलीमराइजेशन के पहले ये जो कंपाउंड है पॉलीमराइजेशन है, तो ये बन गया अपना पॉलीथीन, कौन बन गया ये पॉलीथीन, पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना पॉलीथीन, ठीक है, ये इन्हीं चाहिए शायद, ठीक है पॉलीथीन। ठीक है, अब ये जो पॉलीथीन बना आपका, ये कौन है आपका पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं उसको अपन, या फिर पॉलीमराइजेशन, जो पॉलीमराइजेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्या बना अपना पॉलीमराइजेशन, लेकिन ये पॉलीमराइजेशन कंपाउंड है, लेकिन इसको बोलते हैं पॉलीमर। हाँ ठीक है, पॉलीमर मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में बहुत सारे मोनोमर्स इन्वॉल्व है, गॉट इट, मतलब डेफिनेशन में है स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिला के जो रिजिड मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड बनेगा, उसको पॉलीमर बोलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया आपको कि मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में भैया अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, यस सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब सोल्युबिलिटी ये तो आपको अच्छे से पता है, क्या होता है सोल्युबिलिटी, कि कोई अपन ने मान के चलो सब्सटेंस ले लिया, मान के चलो अपने शुगर ले लिया और शुगर ये वाटर के अंदर में डाल दिया, शुगर इज अ सोल्यूट और वाटर इज अ सॉल्वेंट, बराबर है ना ये चीज, जब शुगर अपन वाटर के अंदर में डाल देते हैं और उसको अपन डिजोल्व करेंगे तो वो जो सब्सटेंस बनेगा उसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं, ये चीज पढ़ता है आपको, सोल्यूट
सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्यूट के अंदर में अपन ने डाल दिया या फिर कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में अगर डाल दिया तो कितने अमाउंट ऑफ परसेंटेज में उसके अंदर में डिजोल्व होता है, ये प्रॉपर्टी को अपन सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बराबर, जैसे 12th क्लास में सेकंड नंबर का पेपर हमने सॉल्युबिलिटी होल चैप्टर है, ठीक है ना, ध्यान में रखना अच्छे से बात, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी है, बहुत इजी टॉपिक है। अब सॉल्युबिलिटी होता क्या है, देखिए क्या है कि सॉल्युबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली, ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं भैया वाटर के अंदर में। किसके अंदर में? इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर में, और सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट के अंदर में। बराबर, अब ये क्या इनसोल्यूबल वाटर के अंदर में क्यों और सॉल्वेंट के अंदर में ही क्यों, चलो देखते हैं फटक से। तो अपने पास में देखो, मान के चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया भैया मैंने CH4, है ना, मिथेन है ना अपना, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, ये हो गया अपना कौन, हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। बराबर है, अब वाटर अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो इस प्रकार से बन जाएगा, फटक से बन गया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैं कर दूं वाटर के साथ में तो क्या होगा, बराबर है। अब वाटर को बताया कि आपको इस प्रकार से लिखा जाता है H+ और OH-, ये वाटर जो बनता है ना, ध्यान में रखना है बात, तो H+ और OH-, गॉट इट। अब यहां से मान के चलो मैंने क्या करा दिया भैया, हाइड्रोजन निकाल दिया और उसके ये अगर निकाल दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैकेंट हो गया। अब जब भी कोई अपने पास का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ये चीज पता है आपको, रिसीव करता है तो निगेटिव चार्ज आता है, ये आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दूँ तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव की जगह ये OH ऐड हो जाएगा, बराबर है ना, और ये H और ये H के साथ में कंबाइन होगा क्या, नहीं। तो यही प्रॉपर्टी है, ये चीज ध्यान में रखना हमेशा कि हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है अगर वाटर अगर उसके अंदर में ऐड कर दे तो ये हाइड्रोजन वहां पे बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो वो अल्किल हैलाइड के रिएक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज बस इतना सा ध्यान में रखना कि सोल्युबिलिटी के अंदर में हाइड्रोजन जब अपन ऐड करेंगे, मींस वाटर के अंदर में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे, तो वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाटर के अंदर में क्या होगा, इनसोल्युबल होगा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम्पल था जो फिर अब सवाल आएगा कि सर वो सोल्युबल किस में है, तो सोल्युबल होता बेटा वो सॉल्वेंट के अंदर। अब सॉल्वेंट क्या होता है, तो देखिए ईथर है, आगे चल के आपको पता चलेगा, ईथर है, अल्कोहल है, अल्कोहल में बहुत सारे प्रकार आते हैं, ठीक है, उसके बाद में बेंजीन है जो आपका साइक्लिक रिंग है, ठीक है ना, ऐसे एक्सेट्रा है जो सॉल्वेंट्स है। तो बस प्रॉपर्टी इतनी ध्यान में रखना कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर इनसोल्युबल इन वाटर और सोल्युबल इन सॉल्वेंट, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है अपना कौन सा, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है कि कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होते हैं, हमेशा लो होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड से बनते हैं, और जो भी कोवेलेंट कंपाउंड से बनते हैं तो उनका जो मेकिंग बॉन्ड है वो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट अपना लो शो करता है, चीज ध्यान में रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट सुनो भैया ऑर्डर, तो उसके जो ऑर्डर था उसकी अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे मान के चलो अपन इथेनॉल ले लिया, ठीक है, इथेनॉल C2H5OH, उसी को अपन स्पिरिट भी बोलते हैं ना, स्पिरिट पता है ना आपको, स्पिरिट स्मेल, या फिर इवन कभी कभार पेट्रोल की स्मेल आपको आती है, या फिर आप गर्ल्स लोग थीनर यूज करते हैं उसकी भी स्मेल आती है। अभी क्या हो रहा है भैया, अल्कोहल यूज हो रहा है किसमें, हैंड सैनिटाइजर में, उसकी भी अलग से स्मेल होती है। तो उसकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्डर शो करती है। नेक्स्ट है भैया फंक्शनल ग्रुप, आपको फंक्शनल ग्रुप पता क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज शोज दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बराबर है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ओजी लिखा हमने जगह नहीं है करके, ओजी लिखा, ओजी का मतलब भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना, ठीक है, ओजी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओजी या फिर अपन उसको ओसी बोल सकते हैं, ओ डॉट सी डॉट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, गॉट इट। तो ध्यान में रखना दिस इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। और लास्ट प्रॉपर्टी है भैया अपनी कंबस्टिबिलिटी। अब कंबस्टिबिलिटी क्या, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा कि ओजी, फिर से यहाँ पे ओजी लिखा मैंने, उसको अपन ओसी लिख देते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंबस्टिबल,
ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये जलते हैं लेकिन कब, एक चीज ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कंबस्टिबल है लेकिन कब, ऑन कंबशन ऑफ, फिर से ओजी, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीजर, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोसीजर हो किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ में। पॉइंट समझ में आया, कंबस्टन का मतलब क्या होता है, मतलब वो जलने वाला होता है, ठीक है। तो ये था आपका, डिटेल्स में मैंने आपको बताया कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप है या फिर अबाउट कार्बन है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।